AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वायरस नांदेड़ ज़िले में तेज़ी के साथ फैल रहा है। नांदेड़ के तालुका मुदखेड़ जंक्शन में भी कर्फ्यू के दौरान तमाम कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद रहे। मुदखेड़ जंक्शन में 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 लोग नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस प्रशासन की जानिब से शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नांदेड़ ज़िले के तमाम रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया है। आज मीडिया से बात करते हुए मुदखेड़ जंक्शन के API भाले सर और ASI बड़ीराम राठौर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सर, लॉकडाउन को लेके नांदेड़ जिले भर में माननीय जिला कलेक्टर साहब ने जो कर्फ्यू लगाया है, उस पर मुदखेड़ तालुके में किस तरह से आपको पब्लिक का सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? मुदखेड़ शहर में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील निकाजे सर और माननीय पुलिस अधीक्षक मगर सर और एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्री पवार सर, इनके मार्गदर्शन पर हम मुदखेड़ शहर में पुलिस कर्मचारी के मदद से पूरी तरह से लॉकडाउन संचार बंदी स्ट्रिक्ट जो अमल बजानी कर रहे हैं और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों में ये बात संदेश पहुंच चुके हैं इसके पहले कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप ज्यादा से ज्यादा घर में रुकिए और प्रशासन को सहकार्य करिए और आपकी खुद की तबीयत का ख्याल रखिए। हमने इसके पहले पब्लिक को जानकारी दी है और पब्लिक को उसमें हम पूरा भी सहकार्य कर रही है। सर, अभी जो है तो जिले भर से जो फोर व्हीलर हो गए, टू व्हीलर से तो बड़ी तादाद में कार्रवाई की गई, क्या यहाँ से भी आप पुलिस प्रशासन की जानिब से कार्रवाई कर रहे हैं जो बिना परवानगी के जो है तो शहर से बाहर जा रहे हैं? हमारे नजर में और यहाँ कर यहाँ पर के नगर परिषद के लोगों से अधिकारी की मदद से हम संयुक्त पथक तहसीलदार के कार्यालय के संयुक्त पथक हमने यहाँ पर तैयार किए है। जो भी ऐसे गाड़ी टू व्हीलर मिलते हैं तो हम उसके ऊपर जुर्माना करके दंड वसूल करते हैं। अभी मुदखेड़ में 7 कोरोना रुग्ण मिल चुके हैं, उसके अंदर कोविड सेंटर में कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 2 लोग जो है नांदेड़ कोविड सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप जनता से क्या आह्वान करेंगे? हम जनता से आह्वान करते हैं कि हर लोगों ने अपनी अपनी हिफाजत के लिए हिफाजत करने के लिए कोरोना से दूर रहने के लिए घर में ज्यादा से ज्यादा रुके, बिना काम का रोड पर ना आए, एक में से संपर्क ना करे, ज्यादा से ज्यादा हाथ धोए, मास्क कंपलसरी रखे मुंह को और इसके अंदर कोई भी लापरवाही मत करिए और प्रशासन को सहकार्य करे। ऐसा में पुलिस प्रशासन की और से जनता को आह्वान कर सकते हैं। ये पुलिस उप निरीक्षक बलराम राठौर, पुलिस मुख्य अमित, या कोरोना संसर्गजन्य आजाराच्या प्रादुर्भाव वाढू नये या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, पोलीस अधीक्षक साहेब, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक साहेब आणि आमचे SDPO नांदेड ग्रामीण देशमुख साहेब, पोलीस निरीक्षक आमचे मुखेड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक निकाजी साहेब, सपोनी भाले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पोलीस स्टेशनचा पूर्ण स्टाफ, नगरपालिका, तहसील कार्यालय यांचे येथील अधिकारी कर्मचारी यांच्या समवेत मुदखेड लॉकडाऊन या काळामध्ये 100% मुदखेड बंद करण्यात आलेला आहे। कुठल्याही प्रकारचे दुकाने वगैरे चालू नाहीत आणि बाहेरून येणारी किंवा येथून जाणारी पण पब्लिक प्रवासी हे कुठल्याच प्रकारे आम्ही जाऊ देत नाही आणि पब्लिकचा पण आम्हाला सहकार्य 100% मिळत आहे आणि जनतेला आम्ही आवाहन करीत आहोत, हा संसर्गजन्य रोग हा प्रसारातून किंवा सोबत सोशल डिस्टन्स न ठेवल्यामुळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी टाळावेत, यातूनच हा रोग प्रसार होत आहे, तरी आपण याची काळजी घ्यावी या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यांना वारंवार असे आवाहन करीत आहोत। आणि मुदखेडमध्ये एकूण पॉझिटिव्ह आजपर्यंत 7 रुग्ण आढळून आलेले, त्यापैकी
5 रुग्ण कोविड सेंटर मुठखेड येथे आहेत आणि 2 रुग्ण नांदेड येथे रेफर केल्याची आम्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून पूर्णपणे माहिती मिळालेली आहे. आणि आम्ही हा रोग प्रतिबंध करण्यासाठी आम्ही वारंवार वेळोवेळी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत आणि जनतेने पण आम्हाला सहकार्य करीत आहे. आम्ही दंडात्मक कारवाया नगरपालिकेकडून करण्यासाठी आम्ही त्यांना मदत करीत आहोत आणि त्यांच्या सोबतच आहोत. आणि आमच्याकडे पण आम्ही 188 कारवाया आम्ही जिल्हाधिकाऱ्याचे आदेश मोडल्यास आम्ही त्या पण कारवाया करीत आहोत.